ध्रुव रिसर्च के हिसाब से एग्जिट पोल के आंकड़े में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। यहां पर कांग्रेस 57 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बहुमत के आंकड़े को आसानी से पार करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 27 सीटें और यहां पर अन्य के खाते में 6 सीटें जाती हुई आप देख रहे हैं। अन्य की जो 6 सीटें हैं इसमें एक सीट INLD के खाते में जाती हुई बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर ये सीटों के लिहाज से ध्रुव रिसर्च के हिसाब से एग्जिट पोल का आंकड़ा हरियाणा को लेकर आ गया है। 90 विधानसभा सीटें, 46 जादुई आंकड़ा, और देखिए कितनी आसानी से कंफर्टेबल पोजिशन में यहां पर कांग्रेस 57 सीटों के साथ, वो जो बड़े दावे कांग्रेस के नेताओं की तरफ से किए जा रहे थे आज वोटिंग के दिन के बाद भी, भूपिंदर हुड्डा की तरफ से जो बड़ा दावा किया गया बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है बड़े मार्जिन के साथ, फिलहाल ध्रुव रिसर्च का ये आंकड़ा उसी ओर इशारा कर रहा है। आगे मैं आपको वोट परसेंटेज भी बताऊंगी जो ध्रुव रिसर्च की तरफ से दी गई है। आइए जल्दी से सभी खास मेहमानों का रुख करेंगे। डॉक्टर अजय आलोक, आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों से प्रतिक्रिया लूंगी। डॉक्टर अजय आलोक, लेकिन सवाल जो यहां पर हमने आपसे पूछा था वो बीजेपी की उस रणनीति को लेकर था जिसमें पहले के मुकाबले इस बार प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम नजर आए, ये सवाल। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी कोई प्रचार में कम नजर नहीं आए। 2014 की परिस्थितियां अलग थी, हरियाणा में आज तक सरकार नहीं बना पाए थे और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी और इसलिए हमें हरियाणा में सरकार बनाने के लिए जितनी मेहनत झोंकनी थी झोंक दी। ठीक है, 10 साल के बाद हमारे काम का रिफ्लेक्शन होना है, हम अपने काम के आधार पर वोट मांगेंगे और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जितनी भी रैली करें वो उतनी ज्यादा है, उतनी सफिशिएंट है, ये हमारी पार्टी की रणनीति थी। ठीक है, लेकिन फिलहाल वापस आते आ गया है और बीजेपी का कमल मुरझाता हुआ एग्जिट पोल के आंकड़े में नजर आ रहा है, हाथ मजबूत होता हुआ एग्जिट पोल के आंकड़े में नजर आ रहा है। जल्दी से आदेश रावल से एक रिएक्शन लेंगे। ये किसान, जवान, पहलवान का मुद्दा कांग्रेस के पक्ष में चल गया। आदेश, महा एग्जिट पोल का आंकड़ा यही बता रहा है। रवाना, इसमें एक डेटा देख के मुझे लग रहा है कि जैसे ये इलेक्शन दो पार्टियों के बीच में हो रहा है, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जो बाकी 6 उम्मीदवार और थे पर कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनको लोगों ने नकार दिया, क्योंकि जो आपका 10 का नंबर है वो इस बात का संकेत देता है। और जो डेटा दिखा रहा है आपका कि 57 के आसपास, मैं डे वन से कह रहा हूँ कि 55 प्लस सीट कांग्रेस पार्टी रहेगी और 25 प्लस बीजेपी रहेगी, वो उसी के बिल्कुल आसपास है। तो जो आपका ये सर्वे है काफी हद तक सच्चाई के नजदीक है। बिल्कुल अनिल जी, कमोबेश वही वाला मोमेंटम है 24 लोकसभा चुनाव में जो हमने देखा था, जिस तरीके से कांग्रेस का ग्राफ बढ़ता हुआ बीजेपी का घटता हुआ, बीजेपी 10 से 5 पर आ गई थी, कांग्रेस 0 से 5 पर पहुंच गई थी लोकसभा चुनाव में, वही ग्राफ आगे बढ़ता हुआ कांग्रेस ऊपर बीजेपी नीचे। देखिए, एग्जिट पोल एक संभावनाओं का खेल होता है और ये मुझे प्रबल संभावना लगती है एक, क्योंकि जिस तरह से आंका जा रहा था, जिस तरह से किसान आंदोलन के बाद का माहौल बना पूरे इस क्षेत्र में, पूरे पंजाब हरियाणा में, तो ये लग रहा था कहीं ना कहीं प्रेशर बीजेपी के ऊपर रहेगा और बहुत ज़्यादा रहेगा। कहीं ना कहीं फायर फाइटिंग की गई बीजेपी की तरफ से, स्ट्रेटजाइज भी किया गया, लेकिन कहीं सुधार, मुझे लगता है एक तो एरोगेंस और एडमेंसी बहुत है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे, उन्होंने कहीं कोई कोशिश नहीं की कि जो हमारे लूज एंड्स हैं, जिस कहाँ बातचीत हो सकती है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, नहीं करने का तो किया उन्होंने काम, बातचीत करने का, जोड़ने का, वो काम उन्होंने नहीं किया। कहीं ना कहीं शायद उनका ओवर कॉन्फिडेंस होगा या शायद अभी भी हो, उनका ओवर कॉन्फिडेंस सिद्ध भी हो जाए कि हम ही बनाएंगे सरकार, इसलिए कोई किसी से बातचीत करने की जरूरत नहीं है, किसी की शिकायत सुनने की जरूरत। डॉक्टर अजय आलोक, ये ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ये हाल हुआ है डॉक्टर अजय आलोक? अति आत्मविश्वास में हम कभी नहीं रहते हैं रोमाना जी, हम अति आत्मविश्वास में कभी नहीं रहते हैं, हम अपने विश्वास में लवरेज रहते हैं। और चुनाव जीतना हारना ना, इस दिन चुनाव जीतने में हम गर्व से गर्वान्वित होते हैं ना हार से हम लज्जित होते हैं, हम वापस लग जाते हैं, हम 24/7 पॉलिटिकल कार्यकर्ता है। राजनीति संभावनाओं का खेल है, एक एग्जिट पोल देके इतने बयान नहीं करने चाहिए कि परसों 8 तारीख को फिर यही सब बातों पर दिक्कत हो जाती है। मुझे लगता है कि पूरे नतीजे आने दीजिए, जनता का मूड देखिए, जनता का पल्स देखिए। पहले ये बात बता दीजिए, आप लोग जितने लोग बैठे हुए हैं आज तक डायरेक्ट लड़ाई में बीजेपी या कांग्रेस की, अगर थर्ड फैक्टर, फोर्थ फैक्टर, फिफ्थ फैक्टर, सिक्स फैक्टर जिसकी बात अभी कर रहे थे हमारे आदेश जी, अगर उनको हटा दीजिए तो आज तक सीधी लड़ाई में कांग्रेस कितनी जीत पाई है बीजेपी के आगे? ना तो तेलंगाना में तो ऐसा हुआ ना, हरियाणा तेलंगाना में तो ऐसा हुआ ना, मुझे लगता है कि बहुत नजदीक है। तेलंगाना में हुआ ऐसा? तेलंगाना में तेलंगाना में हम लोग डायरेक्ट फाइट नहीं थे, त्रिकोणीय था, BRS थी वहाँ पे, तो वहाँ पर BRS सिमट गई थी, यहाँ पर जो अन्य फैक्टर्स हैं वो सब सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। यही से तो मैंने दिबांग जी के साथ चर्चा शुरू की थी कि चुनाव मल्टी कॉर्नर बनाने की कोशिश हुई, लेकिन अल्टीमेटली तो ये आर पार वाली लड़ाई है ना, जो फिलहाल महा एग्जिट पोल के आंकड़े में भी नजर आ रही है।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।